अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातु। इस वीडियो में आपको मैं मई 2022 का कैलेंडर यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इस्लामिक मंथ के हिसाब से, इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से यहाँ पर 2 मंथ यहाँ पर आते हैं। फर्स्ट मंथ जो है यहाँ पर रमज़ान का, सेकेंड मंथ जो है यहाँ पर शावाल का है, और यहाँ पर जो हिजरी ईयर जो है 1443 यहाँ पर चल रहा है। और अभी आपको मैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फ़र्स्ट तारीख यहाँ पर 1 मई 2022 संडे का दिन रहेगा इंशाल्लाह। और उस दिन यहाँ पे रमज़ान की यहाँ पे 29 तारीख है, मतलब 29 तारीख यहाँ पे है। और उस दिन यहाँ पे महाराष्ट्र डे भी है, जैसे कि वर्कर डे जो मनाया जाता है वो है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो है 2 तारीख को इंशाल्लाह रमज़ान की चांद रात रहेगी, और इंशाल्लाह ईद जो रहेगी वो 3 तारीख को यहाँ पे रहेगी, मतलब 3 मई 2022 को इंशाल्लाह यहाँ पे ईद रहेगी। और जो दिन रहेगा वो ट्यूसडे का यहाँ पे दिन रहेगा, मतलब मंगल का यहाँ पे दिन रहेगा। तो इंशाल्लाह 2 तारीख को यहाँ पर रमज़ान की चांद रात रहेगी, पूरे 30 रोज़े होएंगे। तो और 3 तारीख को यहाँ पर इंशाल्लाह ईद रहेगी। 3 मई 2022 को यहाँ पर ट्यूसडे का दिन रहेगा इंशाल्लाह। और उस दिन यहाँ पर शावाल महीने की यहाँ पर 1 तारीख यहाँ पर रहेगी। और इस महीने में यहाँ पर छुट्टी कितनी आ रही वो आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। और इस महीने में यहाँ पर आपको अगर कोई शादी करनी या कोई फंक्शन करना है तो आपको यहाँ पर 2 तारीख जो यहाँ पर ठीक नहीं लगी मुझे, वो जो तारीख जो है एक तो 12 तारीख है और दूसरी जो है वो यहाँ पे 18 तारीख है। 12 तारीख और 18 तारीख को छोड़ के आपको जो तारीख पसंद है उसके हिसाब से आप यहाँ पे शादी या कोई फंक्शन करना है तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप कर सकते हो। 12 और 18 को छोड़ के यहाँ पे 12 और 18 में यहाँ पे जो तारीख थोड़ी सी ठीक नहीं है उसके हिसाब से बाकी आपको जो तारीख आपको पसंद है उसके हिसाब से यहाँ पर आप शादी आप कर सकते हो। तो इस महीने में यहाँ पे फर्स्ट को जो 1 मई को यहाँ पे एक तो महाराष्ट्र डे जो वर्कर डे मनाया जाता है वो, और 3 तारीख को यहाँ पे ईदुलफितर है, रमज़ान की ईद है यहाँ पे। और नेक्स्ट यहाँ पे जो 16 तारीख को जो यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा है। तो ये 3 छुट्टी यहाँ पे है, 3 फेस्टिवल यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे 14 को और 28 को यहाँ पे जो बैंक हॉलीडे, जो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे जो बैंक बंद रहती है उसके हिसाब से यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है। 14 को सेकेंड सैटरडे और 28 को जो है फोर्थ सैटरडे यहाँ पे है, इसलिए उसके हिसाब से यहाँ पे बैंक बंद रहती है। तो मैं आपको ये पूरा जो मंथ का जो कैलेंडर है मे का आपको मैं पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ सवाल पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को आप व्हाट्सअप के ग्रुप के अंदर, फेसबुक के ग्रुप के अंदर भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।